नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मैं फिर से अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये मेरे बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे। और जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज अच्छा खासा आप एक कॉल साइड में और पुट साइड में पैसा बनाए होंगे। तो अभी अपने हम पूरा प्रॉपर तरीके से ये देखने की कोशिश करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे कि बैंक निफ्टी कैसे कैसे किस बिहाफ पे चला है और आगे हम कल की रणनीति क्या यहाँ पे अपना सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा अपने पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर मेरा आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा। मैं अपने चार्ट को एकदम सिंपल रखता हूँ, मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। प्राइज एक्शन और कभी कभी कैंडल स्टिक पे मैं प्रॉपर तरीके से वर्क करता हूँ। तो वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये देख सकते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी बार बार यहाँ का सपोर्ट ले रहा था। मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी यहीं कहीं से बाउंस होगा और देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी यहाँ पे बाउंस हुआ है। तो दोस्तों, ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, यहाँ पे मैं कोई कॉल पुट या किसी तरीके का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप सीखने के पर्पज से इस चैनल पे हैं तो ये चैनल आपके लिए है, अन्यथा ये चैनल आपके लिए नहीं है। और अगर मेरा टेलीग्राम चैनल आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे हर चीज़ चार्ट वगैरह, स्टॉक सिलेक्शन, सारा चीज़ वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ और अपने चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो अभी हम यहाँ समझेंगे कि बैंक निफ्टी अपने काम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से अपने यहाँ पे काम करेंगे, कल के डेट में बैंक निफ्टी में किस तरीके से अपने यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन मैं एक बार हटा देता हूं और यहां पे आप समझिएगा चीजों को। ये देखिए, ये प्रॉपर तरीके से जो है चार्ट आप आ गए हैं। मैंने आपको कल भी, अगर मेरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट करा रखा था। मैंने जो है पहला रेजिस्टेंस आपको नोट कराया था यहां पे 47,650 का, आप एक बार ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे 47,650 का। मैंने एक आपको कल जो है एक सपोर्ट यहाँ पे अपडेट करवाया था। तो एक जो आपका सपोर्ट बना वो क्या बना यहाँ पे 47,650 का। दूसरा जो मैं आपको नोट कराया था वो मैंने नोट कराया था आपको यहाँ पे 47,380 का। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा कि बैंक निफ्टी क्या किया, सुबह गैप अप ओपनिंग किया और मैंने आपको टारगेट भी सामने दे के रखा था, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगा तो अपना जो प्लानिंग होगा, मैंने आपको साफ साफ शब्दों में, आप जाके वहां पर नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरे वीडियो को, 48,150 का मैंने एक रेजिस्टेंस यहां पे आपको कल के दिन ही ड्रॉ करके बताया था। और मैंने साफ साफ आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अगर कहीं इसके आसपास खुलता है, प्राइजेक्शन बनाता है तो अपने यहाँ पे कॉल साइड का प्लान करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से टारगेट अपने अचीव किए हैं। और बैंक निफ्टी किस तरीके से चला है वो भी जानने की कोशिश हम करेंगे। बैंक निफ्टी आज खुलता है यहाँ पे 48,150 जो मैंने कल आपको रेजिस्टेंस नोट कराया था, और वापस से नीचे आता है और जो मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट कल नोट कराया था उस सपोर्ट से इस आकर के यहाँ से बाउंस का एक प्लान बनाता है। और क्या करता है बैंक निफ्टी, ये जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं ये मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। एक डबल बॉटम प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और डबल बॉटम प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का ये इसका निकलाइन हो गया, और निकलाइन की जैसे ब्रेकआउट आई वापस से यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करके थोड़ा सा नीचे आया और फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से जिगजैग बनाते हुए बैंक निफ्टी वापस अपसाइड में मूव कर गया। अगर आप यहाँ पे भी बाइंग नहीं करते हैं, चूक जाते हैं, तो कोई दिक्कत की चीज़ नहीं थी। आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करना था कि आप वेट करते, वेट करने के बाद जो है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक इसका अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था बैंक निफ्टी। तो ये इसका रेजिस्टेंस था, ये आप रेजिस्टेंस इसका ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था। अगर आप कोई जैसे ही रेजिस्टेंस को जैसे ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जाने के बाद वापस से एक सेल ऑफ आता है, फिर वापस यहाँ जाने के बाद फिर सेल ऑफ आता है और ये कैंडल देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है, वापस से यहाँ पे रिटेस्ट करता है और फिर ये अपसाइड का मूव चल रहा है। तो अगर कल की हम लोग प्लानिंग करें तो कल के प्लान में बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है यहाँ पे, मेरे हिसाब से, मेरे एजुकेशनल पर्पज से दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपनिंग कर सकता है
और निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग यहाँ पे साथ साथ कर सकते हैं। इंडेक्स काफी बुलिश लग रहा है मुझे यहाँ पे, इस तरीके से जो प्राइजेक्शन बना करके आज इसने क्लोज किया है, तो कल किस तरीके से अपने प्लान करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से आप ट्रेड यहाँ पे करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको मैं हटा देता हूँ, आप एक बार तो देखिए आपका जो सबसे पहले रेजिस्टेंस होने वाला है कल की, आज की जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग है ये नोट कर लीजिए 48,150 का, जो मैंने कल भी आपको नोट कराया था, पीछे भी आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का रूप में ये काम करेगा। दूसरा जो आपके पास बैंक निफ्टी का एक आप यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे लाइन, जो यहाँ पे आज की क्लोजिंग है वो करीब आपकी होने वाली है 48,000, यानी साइकोलॉजी नंबर भी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 48,000 का एक साइकोलॉजी नंबर भी है, तो यहाँ पे भी आपके पास एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। और जो नीचे में आप सपोर्ट ड्रॉ करेंगे वो आपके पास होना चाहिए यहाँ पे 47,880 के आसपास, एक आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट के रूप में ये काम करेगा। अब अपने कल की प्लानिंग क्या करेंगे, आपके पास और दूसरा सपोर्ट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपका होगा 47,770 का। तो आपके सामने तीन चार लाइन आपको मिल गया, 47,770, 47,880, ऊपर में 48,000 और 48,150। अब अपने प्लानिंग कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से समझिएगा चार्ट को। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप एक ओपनिंग करता है तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे वेट करना है, और कहीं इस सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी आए 48,000 के आसपास, यहाँ पे कोई डबल बॉटम प्लेटफॉर्म बनाए या कफ हैंडल का प्लेटफॉर्म बनाता है या कोई बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो अपने बाइंग साइड का प्लान यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा 48,150 का, जो मैंने आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे नोट कराया है। अगर बैंक निफ्टी कहीं गैप अप ओपन होता है 48,150 के आसपास और यहाँ पे कोई आपको बियरिश कैंडल या कोई बियरिश डबल टॉप दिखता है या किसी तरीके से कोई बियरिश चार्ट पैटर्न या कुछ मिले, तो आप यहाँ सेल साइड का प्लान बनाएंगे। आपका टारगेट जो होने वाला है वो आपका टारगेट होगा यहाँ पे 48,000 का टारगेट होने वाला है। तो ये आपके सामने एक सिंपल एनालिसिस मेरा है। वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, और किस स्टॉक पे आप वीडियो बनाना देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं वो चीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस चीज़ पे अपनी एनालिसिस आपको बताऊंगा। तो ये